गलत तरीके से हायर बिरला ग्राम में किया गया और यहाँ के टीआई ने गलत सेक्शन लगाकर मुंबई में मुझे किडनैप किया योर ऑनर। और वहाँ पर किडनैप करने के बाद मेरी वाइफ से फोर्सफुली 10 लाख का चेक उसने एक्सटॉर्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन एसपी उज्जैन की तरफ से किया गया और उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को दबा दिया गया पूरी तरीके से। अभी एक महीने पहले मुझे वो सर्टिफाइड कॉपी मिला है जिसमें उस टीआई को और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। सबसे बड़ी बात जो है, इस आदमी मोहम्मद अली दहक ने मुझे धमकी दिया था कि वो मुझे बर्बाद करेगा। दिलीप देव। You are the applicant? Yes. Yes. लॉटरीज में कनेक्टेड भी है 64.1 लॉटरी। ये लास्ट लिस्टेड 16/3/2020 को थी लॉटरी। मोहम्मद अली लॉटरी। मोहम्मद अली ये लास्ट लिस्टेड हुई थी लॉटरी 16/3/2020 को लॉटरी। उसके बाद अभी हुई है इस कनेक्टेड लॉटरी तो हुई नहीं। ये थोड़ा अलग है क्योंकि उससे मैंने नहीं देखा है लॉटरी। ये जो पूरी चीज़ है लॉटरी, एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट था जिसको क्रिमिनल के का फेज रुख दिया गया। और जब मैंने इसकी खुद भी जब मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड हुआ हूँ इसमें, इसकी मैं बात बताना चाहता हूँ कि गलत तरीके से हायर बिरला ग्राम में किया गया और यहाँ के टीआई ने गलत सेक्शन लगाकर मुंबई में मुझे किडनैप किया योर ऑनर। इसमें पार्टी भी इम्प्लीकेटेड नहीं किया। और वहाँ पर किडनैप करने के बाद मेरी वाइफ से फोर्सफुली 10 लाख का चेक उसने एक्सटॉर्ट किया है। और उसकी कंप्लेंट जब हम लोगों ने यहाँ पर मुंबई पुलिस में की और उसके बाद जब हम लोगों ने एमपी पुलिस में भी की, एफआईआर नहीं लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन एसपी उज्जैन की तरफ से किया गया और उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को दबा दिया गया पूरी तरीके से। और बाद में अभी एक महीने पहले मुझे वो सर्टिफाइड कॉपी मिला है जिसमें उस टीआई को और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था और उनको और सजा दी गई है। और साथ में योर ऑनर, उनके आरोप को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें आप क्या मांग रहे हैं? क्वेशिंग ऑफ? मैं क्वेशिंग मांग रहा हूँ योर ऑनर। किसकी क्वेशिंग ऑफ? एफआईआर और जो भी उससे। कौन सी एफआईआर? 7/16/2016 और क्राइम नंबर है। स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड। चार्जशीट ऑलरेडी फाइल किया हुआ है पुलिस के द्वारा लेकिन 8 साल हो गए अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है योर ऑनर। और सबसे बड़ी बात जो है, इस आदमी मोहम्मद अली दहक ने मुझे धमकी दिया था कि वो मुझे बर्बाद करेगा और उसने एग्जैक्टली वही किया। 8 साल में मुझे एक भी काम नहीं मिला है योर ऑनर। मेरे इंडस्ट्री में काम नहीं मिला बिकॉज योर ऑनर हमारा जो रेपुटेशन के पर काम मिलता है और इसने जो धोखाधड़ी का आरोप जो लगाया है और थ्रू आउट 7/16 कहाँ है? एफआईआर दे सीडी भी कॉल करना पड़ेगी। इसमें सीडी भी नहीं है। ये है योर ऑनर एनेक्चर बी में एफआईआर। एक मिनट, कहाँ एफ आई आर? कहाँ एफ आई आर है योर ऑनर? एनेक्सर बी पेज पेज नंबर 24। क्या भाई, क्या चार्जशीट फाइल हो गई? थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैं इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। लॉटरी और सीरीज भी अवेलेबल है, आज फर्स्ट टाइम ही रजिस्टर्ड हुआ है लॉटरी भी मैटर। और जो इससे कनेक्टेड मैटर है लॉटरी, वो 2020 से पेंडिंग है लॉटरी। कोई नहीं अपीयर हो रहा है? यस लॉटरी कनेक्टेड, आज फर्स्ट टाइम एक बार 2020 में लगा था, उसके बाद आज फिर आज इनने लगाई थी, शायद कनेक्टेड हो गया लॉटरी को मैटर इसके साथ में। इसमें एक बहुत बड़ी सेम सेक्शन है लॉटरी जो इन पे लगे हुए हैं, वही सेम सेक्शन मोहम्मद अली वाले में भी है लॉटरी। इसमें एक बहुत बड़ी बात है योर ऑनर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस मोहम्मद अली दहक ने इसी तरह के केसेस कई लोगों पे किया है। उसमें से कुछ सर्टिफाइड कॉपी मैंने इसमें अटैच भी किए हैं। क्या ऑफेंसेस क्या है? 507 जी, 507, 506 सबसेक्शन बी लॉटरी एंड 406, 420 एंड 34 लॉटरी। इसमें चार्जशीट के समय जोड़ा है क्या? उसमें एफआईआर देखिए पेज 23। यस लॉटरी में तो 507 और
66A लॉट शू। लॉट सी 507 लिखा है और मुझे नामजद अभियुक्त भी बना रहा है और इसी पुलिस की जांच में इसी चीज को भी पकड़ा गया है। वहाँ आपका यू कम फ्रॉम वेयर? यहाँ पर नीचे उसने डाला है एफआईआर। मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड। यू कैन अपीयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आल्सो। लिखे एप्लीकेंट इन पर्सन श्री अजय राज गुप्ता फॉर द रिस्पॉन्डेंट 1-5 ऑन एडवांस नोटिस काउंसिल फॉर द स्टेट इज ग्रांटेड टाइम टू कॉल द केस डायरी ऑफ क्राइम नंबर 0007 ऑफ 2016 रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन बिरला ग्राम नागदा डिस्ट्रिक्ट उज्जैन लड़शू उज्जैन पुलिस का लिस्ट मैटर। आप खुद आना चाहेंगे कि मैं अभी पिछले 3 महीनों से यहीं पर हूँ योर ऑनर, क्योंकि इस एफआईआर की वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। तो मैं उसके लिए यहीं पर हूँ सो देट कि मैं इसको पूरी तरह से क्लीन करके जाऊँ अपनी इंडस्ट्री में। यस, लिस्ट ऑन 22 2nd नवंबर 22 नवंबर।